हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी वे टू लर्न। एंड आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर ही बेस्ड होंगे, जिससे कि आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए। तो इस वीडियो को देखने से पहले जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ पूरा जा करके पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट देखें। और अब हम शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम आज कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नेम द क्वाड्रेंट इन विच द पॉइंट लाइज। हमें बताना है कि पॉइंट हमें कोई भी दिया जाएगा, जैसे कि ये पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, और ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, कौन से चतुर्थांश में ये रखे जाते हैं या आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, हमें एक चीज़ समझनी होगी। इसके लिए पहले हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, कोऑर्डिनेट प्लेन बना दिया, जिसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये जहाँ पर दोनों एक दूसरे काटते हैं वो हमारा ओरिजिन होता है। ओरिजिन से इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स, ओरिजिन से ऊपर सारे पॉजिटिव नंबर्स जो कि किस पर होंगे, वाई एक्सिस पर, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव नंबर्स होंगे जो कि किस पर होंगे, वाई एक्सिस पर ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे नॉर्मल मेथड से देखते हैं कि हम कैसे इस पॉइंट को लोकेट करना बताएंगे। 1, 1 हमें लोकेट करना है। ठीक है, ये वाला नंबर एब्सिसा होता है, यानी कि भुज, जो कि हमारी वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उस पॉइंट की। ये वाला हमारा ऑर्डिनेट कहलाता है, यानी कि कोटि, और ये जो होती है एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इस पॉइंट की, लंबवत दूरी। ठीक है, तो ये वाला नंबर हम एक्स एक्सिस पर चलते हैं, एक्स एक्सिस पर 1, एक्स एक्सिस ये है, 1 किधर है, इधर तो नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, 1 हमें मिल गया ये। ठीक है, इस पर हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बना दिया। ठीक है, उसके बाद ये वाला 1 जो है ये किधर चलेगा, वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर भी हमें पॉजिटिव चलना है, यानी ऊपर की ओर चलना है, ये मिला 1, इस 1 पर भी हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर बना दिया। ये दोनों परपेंडिकुलर जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वही पॉइंट क्या होता है हमारा, ये 1, 1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये पॉइंट मिल गया, और हम बता सकते हैं कि ये पॉइंट किस कौन से क्वाड्रेंट पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप पॉइंट्स को लोकेट करके बताएं। दूसरा तरीका क्या है, उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि इन पॉइंट्स में जो ये साइन दिए हुए हैं, इसमें दोनों पॉजिटिव हैं, इसमें पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसमें नेगेटिव ये पॉजिटिव, अगर मुझे ये साइन मैं देख लूँ तो बिना ये बनाए मैं डायरेक्ट बता सकती हूँ कि ये पॉइंट्स किस कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, एंड फोर्थ ये है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों जितने भी पॉइंट्स आएंगे उनके पास साइन कौन कौन से होंगे, चिन्ह कौन कौन से होंगे, दोनों के पास पॉजिटिव पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि पहले एक्स एक्सिस पर चलते हैं, दूसरी वैल्यू वाई एक्सिस की होती है, और ये क्वाड्रेंट तो इन दोनों से ही बना है, तो इस पर भी पॉजिटिव है, इस पर भी पॉजिटिव, तो इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स रखे जाएंगे वो सब पॉजिटिव हों, पॉजिटिव पॉजिटिव इस तरीके के होंगे। नेक्स्ट, पहले हम एक्स एक्सिस पर चलते हैं फिर वाई एक्सिस पर, तो इसके अंदर जो सारे के सारे पॉइंट्स बनाए जाएंगे, क्योंकि पहला नंबर एक्स एक्सिस का होता है तो नेगेटिव, दूसरा वाई पर होता है पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जितने भी होंगे अगर आपको किसी में भी पहला नंबर माइनस का, दूसरा नंबर प्लस का दिखाई देता है तो वो हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इसी तरीके से अगर थर्ड क्वाड्रेंट में देखना है तो पहले एक्स पर चलते हैं जो कि नेगेटिव है, फिर वाई पर चलते हैं जो कि नेगेटिव है, अगर आपको दोनों नंबर नेगेटिव दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है वो आपका किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरीके से अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं तो पहले हम एक्स एक्सिस पर चलते हैं, ये कैसा है, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर वाई पर चलेंगे तो ये भी कैसा है, नेगेटिव है, तो पहला अगर पॉजिटिव दूसरा नंबर नेगेटिव दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या होगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो इसी तरीके से हम इन पॉइंट्स को अब लोकेट करते हैं, पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो ये 1-1 किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव किस में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये पॉइंट आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। फिर ये -3 और 10 है, पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो ये वाला भी किस में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट, अगर ये -3 -10 दिया हुआ है, मतलब
दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव किस में है, इसमें है, यानी ये पॉइंट किस में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। बस यही आपको याद रखना है, फर्स्ट प्लस प्लस, थर्ड में दोनों माइनस माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट के आपके लिए आपको ये इमेज अगर याद रहती है तो ये ध्यान रहेगा कि ओरिजिन से लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स है और वो एक्स पर चल रहा है, तो पहला नंबर और इस एक्स से ऊपर क्या बना हुआ है, सेकेंड क्वाड्रेंट बना है, तो पहला नंबर नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा। फोर्थ वाला क्वाड्रेंट अगर आपको याद होगा कि इधर बना है, इधर क्या है, ओरिजिन से राइट साइड, राइट साइड में एक्स पॉजिटिव है, तो पहला नंबर पॉजिटिव होगा और ओरिजिन से नीचे नेगेटिव है तो दूसरा नंबर नेगेटिव होगा। अगर आपको इमेज याद होगी तो ये चीज़ें भी आपको इजीली याद हो गई होंगी। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम समझने वाले हैं वो क्या है, अगर आपको इस तरीके के पॉइंट्स दे दिए जाएं 1 0 0 1, तो आपको बताना है ये कौन सी एक्सिस पर लाई करेंगे। तो हम कैसे देखेंगे, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, और जहाँ पर दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं वो हमारा ओरिजिन है, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब इसने कहा है 1 0 को लोकेट करो पहले, ठीक है। एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं 1, यहाँ पर पहुँच गए। वाई एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर तो इस पर है हम, वाई एक्सिस पर तो हमें चलना ही नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारा यही होगा। तो एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट आपको दिया जाता है तो उसके लिए है कि वाई की वैल्यू हमेशा 0 होगी। मतलब हमने कहा 2 0 एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब है कि इसमें वाई की वैल्यू हमेशा 0 होगी। अगर मैं कहूँ तो 2 0 हमारे यहाँ पर होगा, क्योंकि हमें एक्स पर तो 2 चलना होगा, एक्स पर 1 2 2 चले, लेकिन वाई पर तो हमें चलना ही नहीं है, तो वाई पर हम कहाँ हैं, वहीं के वहीं हैं। अगर ये पॉइंट यहाँ ना होकर के यहाँ होता तो वाई पर हम चले तो होते, कितना चले होते, 1 चले होते, लेकिन हमें चलना कितना है, 0, तो 1 से वापस कहाँ गए, 0 पे आ गए, इस पॉइंट से वापस कहाँ गए, 0 पे, यानी 2 0 हमारा यहीं पर होगा। इसी तरीके से अगर आपको 0 1 कहा जाए, वाई पर चलना है 0, वाई पर तो चलना ही नहीं है, मतलब एक्स पर। इसी तरीके से अगर आपको 0 1 पॉइंट दिया जाता है तो 0 हमें किस पे चलना है, वाई एक्स पर, एक्स पर हमें चलना ही नहीं, 0 है मतलब चलना ही नहीं है, और 1 दिया है, वाई पर कितना चलेंगे, 1, वाई पर कितना चले हैं, 1, तो ये पॉइंट होगा हमारा 0 1। यहाँ से एक छोटी सी बात समझने वाली है, अगर आपको कहा जाता है कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, तो हमेशा वाई की वैल्यू 0 होगी, और अगर आपको कहा जाता है कि कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो वहाँ पर एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0, मतलब एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हमेशा किस फॉर्म के होंगे, a 0, a आपका कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अगर वाई एक्सिस पर आपको कोई पॉइंट कहा जाता है तो वो किस फॉर्म का होगा, 0 y, 0 a, a क्या होगा, वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट और x पर हम क्या चले हैं, 0 चले हैं। तो यही बात समझने की है यहाँ पर, कि अगर आपको एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 1 0 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप क्या बताओगे। पहले हम देखते हैं 1 0 होगा कहाँ, एक्स एक्सिस पर 1 ये चले, वाई पर हमें चलना ही नहीं है, तो 1 0 हमारा ये पॉइंट होगा। अब पूछा है इसने कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, एंड फोर्थ ये है। अब ये तो किसी भी क्वाड्रेंट में आ ही नहीं रहा है ना, ये आ किस पर रहा है, एक्स एक्सिस पर आ रहा है, तो हम क्या बताएं कि ये 1 0 पॉइंट किस पर है, एक्स एक्सिस पर है। सीधे आप ये भी देख के बोल सकते हो कि y की वैल्यू क्या है, 0, y पर तो हम चले ही नहीं, किस पर चले हैं, x पर चले हैं सिर्फ, तो ये होगा किस पर, x एक्सिस पर होगा, सिंपल। हम ये नहीं कहेंगे कि ये क्वाड्रेंट में होगा, ये x एक्सिस पर होगा। इसी तरीके से अगर आपको 0 1 पॉइंट दे दिया जाए, x पर तो 0 चलना है, y पर हम 1 चलेंगे, तो ये हो गया हमारा 0 1, है ना। अब ये पूछ ले आपको कौन से पॉइंट पर, कौन से क्वाड्रेंट पे है, तो ये क्वाड्रेंट पे नहीं है, ये किस पर है, वाई एक्सिस पर ये पॉइंट होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस अगर हमें पूछी जाए कोई भी दो पॉइंट दे करके, तो उनके बीच की हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मान लिया ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट प्लेन था, ठीक है, इसमें एक पॉइंट है पी, दूसरा पॉइंट है क्यू। पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने क्या मान लिए, x1 y1, ठीक है,
और क्यू के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं वो हमने मान लिए एक्स टू वाई टू, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें पूछी गई है। तो हम कैसे बताएंगे इनके बीच की डिस्टेंस? उसके लिए हम क्या करते हैं, पी से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर डाल दिया। नेक्स्ट क्यू से भी हमने एक परपेंडिकुलर यानी कि एक लंब एक्स एक्सिस पर डाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इस पी पॉइंट से भी एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लंब इस लाइन पर डाल दिया। ये हो गया हमारा टी पॉइंट, ये हो गया ए और ये बी। तो इसमें हमें क्या पूछा, क्योंकि ये लाइन जो है इसके पैरेलल बनाई गई है और ये जो डाला गया है लंब डाला गया है, तो ये कोण 90 का होगा। पी टी परपेंडिकुलर है क्यू बी पर, ठीक है, तो पी टी जो होगी लंब होगी क्यू क्यू बी पर। तो अब हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी थी, हमें क्या निकालना है, सिर्फ पी क्यू निकालना है। पाई और हमारे पास बन क्या गया, पी क्यू पी टी क्यू, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि कर्ण का स्क्वायर, ये क्या हमारा कर्ण, इसका स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी का स्क्वायर जो कि उसका बेस है, प्लस टी क्यू का स्क्वायर। तो पी टी की वैल्यू हम क्या रखेंगे एंड क्यू टी, तो हमें क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है। पी क्यू हम निकाल सकते हैं अगर हमें पी टी और टी क्यू पता हो। तो पी टी एंड टी क्यू हम कैसे निकालेंगे, हमें पता ही है एक्स वन क्या होता है, एक्स वन वही तो होता है जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी वही एक्स वन होगी, और यही डिस्टेंस किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। क्यों, क्योंकि पी से हमने ये लंब डाल रखा है ना। तो ये वाली ये जितना है उतना ही क्या होगा, ओ ए होगा, इसको हमने एस पॉइंट मान लिया। तो एस पी जितना होगा उतना ही ओ ए होगा, और ये हमारी क्या है एक्स वन, तो ये ओ ए भी क्या होगी, एक्स वन होगी। इसी तरीके से ये पॉइंट है एक्स टू, मतलब एक्स एक्सिस पर एक्स टू चला होगा ये पॉइंट। तो एक्स एक्सिस पर यहाँ से ये देखो जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी उतनी ही दूरी एस टी होगी, और एस टी जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी ओ बी होगी। ओ बी कितनी है हमारी, एक्स टू, क्योंकि इस पॉइंट से हमने ये परपेंडिकुलर जब डाला है तो ये तो हम एक्स टू ही चलते हैं ना, पहले हम ओ बी चलते हैं, यहाँ तक एक्स टू दूरी थी, एक्स टू दूरी हम इस पॉइंट पर पहुँच के इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो जितना ये दूरी होगी उतना ही ये दूरी होगी, है ना। तो ये पता चल गया हमें एक्स टू है। हमें चाहिए क्या, हमें सिर्फ ये देखना है पी टी कितना होगा, पी टी कितना होगा, जितना ये है उतना ही ये होगा, यही हमारी पी टी होगी। तो एक्स टू में से ये पूरा एक्स टू था, एक्स वन अगर मैं घटा दूँ तो ए बी की वैल्यू आएगी, और ए बी कितना है पी टी के बराबर, तो ये एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगी इतना, तो ये भी क्या हो जाएगी एक्स टू माइनस एक्स वन। तो पी टी क्या हो गई हमारी, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो पी टी की जगह हमने रखा एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, पी टी स्क्वायर था क्योंकि, तो इसलिए स्क्वायर आ गया। अब टी क्यू निकालना है, टी क्यू ये जो है ये किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, है ना। और हमें पता है ये पॉइंट वाई एक्सिस पर कितना चला होगा, वाई टू ही तो चला होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, वाई टू। क्यू और बी के बीच की दूरी भी ये वाई टू ही तो होगी, यही वाई टू है, मतलब वाई टू तो हमारी ये पूरी हो गई, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ये कितना चला होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना चला होगा, जितना कि वाई वन होगा। तो इसका मतलब मैं क्या पता चल गया, अगर ये वाई वन है और ये वाई टू है, हमें तो क्या निकालना है, क्यू टी। क्यू टी किसके बराबर होगा, जितना वाई एस होगा, है ना। तो वाई एस क्या हो जाएगा, वाई एस क्या होगा, इस पूरे में से इतना माइनस कर दो, यानी वाई टू में से वाई वन माइनस कर दो, तो क्या आ गया है हमारे पास, ये वाई एस आ गया। वाई एस कितना होगा, क्यू टी के बराबर होगा। तो क्यू टी कितना, टी क्यू या क्यू टी कितना आ गया हमारे पास, वाई टू माइनस वाई वन, और उसका क्या कर्ण है, स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आया हमारे पास, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो यही, इससे ही हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या चला जाएगा,
रूट चला जाएगा। तो पी क्यू ही क्या है हमें निकालनी थी, पी क्यू के बीच की डिस्टेंस ही हमें निकालनी थी, पी क्यू हमारी निकल गई। ये ही हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब प्रूफ आपको सिर्फ समझने के लिए था, इसको हमें करना नहीं है। हमें सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो हम क्या करते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। सिंपल क्या याद रखो, मान लो आपको 1, 3, 2, 4 दो पॉइंट्स दे दिए गए हैं, तो क्या करना है, इनके बीच की दूरी पूछी है, पहले वाले में से पहले वाला घटाओ 2 माइनस 1 उसका स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले में से दूसरे वाला 4 माइनस 3 उसका स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा आपको, डी का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर आएगा। 1 प्लस 1 यानी कितना आया, 2, और डी स्क्वायर की वैल्यू अगर आपकी 2 आ गई है तो डी की वैल्यू क्या होगी, √2। जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो हमेशा दो वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बट ये क्या है, दूरी है, दूरी कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। बस इसमें आपको छोटी सी चीज़ यही समझनी थी कि कैसे आपको क्यूटी निकालना है, कैसे आपको पीटी निकालना है। पीटी आपके इसके बराबर होगा, और बी तक की दूरी एक्स एक्सिस पर देखनी है, इस पॉइंट की दूरी एक्स एक्सिस पर देखनी है, और फिर इनके बीच की दूरी निकाल देनी है। इसी तरीके से क्यू बी, क्यू बी क्यू पॉइंट अगर है तो ये हमें देखना होगा, हमें ये निकालना है, तो पूरे में से हमें इसको माइनस, पूरे में से हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, और ये हमें चाहिए था, तो पूरा कितना है वाई टू, ये कितना है वाई वन, तो ये कितना आएगा वाई टू में से वाई वन जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमें। बस यही हमें इसमें सीखना था। अब अगर हमें डिस्टेंस पूछ ली जाए किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से, तो हम जल्दी से जल्दी उसे कैसे निकालेंगे। ओरिजिन से अगर आपको पूछा गया है, ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, हमेशा 0, 0 होते हैं। ये कोई पॉइंट है P, इसके हमने मान ली एक्स वाई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला था दो पॉइंट्स। अब इसमें क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है कि जो पहला पॉइंट है वो हमारा क्या है, ओरिजिन। ठीक है, तो पहला पॉइंट ओरिजिन है, मतलब ये हमारा एक्स वन था, ये हमारा वाई वन था, ये हमारा एक्स टू था, ये हमारा वाई टू था। एक्स वन वाई वन की जगह हम क्या रख देंगे, 0, 0, तो एक्स वन की जगह 0, वाई वन की जगह 0, और एक्स टू वाई टू की जगह एक्स वाई, तो x में से 0 जाएगा उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही आएगा, प्लस y में से भी 0 जाएगा उसका स्क्वायर, तो क्या आएगा वाई स्क्वायर अंडर रूट पी क्यू। तो जब भी हमें ये कहा जाए कि हमें किसी पॉइंट की ओरिजिन से यानी मूल बिंदु से डिस्टेंस निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा ये आपको दिया है 0, 0, दूसरा पॉइंट दिया है 2, 3, कहा है इसकी इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालो, तो आप क्या करोगे, ये पहला तो ओरिजिन है तो 0 हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट 4 प्लस 9 अंडर रूट 13, ये हमारी क्या आ जाएगी डिस्टेंस। अगर आपको कहता है मूल बिंदु से 5 और 4 के बीच की डिस्टेंस निकालो, 5 और 4, तो मूल बिंदु से कहा है, मूल बिंदु से कहा है मतलब पहला एक पॉइंट तो उसका 0, 0 हो जाएगा, सीधा क्या करना होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट 5 में 25, 4 चौक 16 कितना है, 25 और 16 हो गया हमारा 41 अंडर रूट 41। ठीक है, तो अगर आपको डिस्टेंस कहा जाए ओरिजिन से, तो आपको सिर्फ क्या करना है, जो पॉइंट नंबर दे रखे होंगे उनका स्क्वायर करना है, ऐड करना है एंड रूट करना है, बस। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड ऊपर आई बटन आता है उस पर क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट मिल जाए, और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट एजुकेशन एंड